जय हिंद जय भारत। नमस्कार बच्चों, एक और नई खबर है, नई सूचना है और बहुत दिनों के बाद जिसका बेसब्री से इंतजार था लाखों बच्चों को, पूरे भारत में इंतजार है लाखों बच्चों को, वो है सीटेट 2022। सीटेट 2022 बहुत लंबे समय से इंतजार था सीटेट। बहुत सारे यूपी, बहुत जैसे यूपी टेट की कोई खबर ही नहीं है, बहुत सारे स्टेट कैसी है कोई खबर ही नहीं है, स्टेट टेट कब लेंगे, सीट टेट किससे बहुत उम्मीद बच्चों को होती थी, अब वो सीट टेट की भी उम्मीद खत्म होती जा रही थी। तो इसी दौरान सूखे में जो पतझड़ पड़ा हुआ था, एक बार से फिर हरियाली आ गई है और लग जाइए सीट टेट 2022 के लिए। खबर देखिए क्या है सीट टेट की। सार्वजनिक सूचना जो सीबीएसई ने दी है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिसंबर 2022 में सीबीटी कंप्यूटर आधारित टेस्ट मोड में केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के 16वें संस्करण का आयोजन करेगा, दिसंबर 2022 में करेगा। यह है यानी दिसंबर 2022 पता रहेगा, दिसंबर 2022 में करेगा। उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र पर सटीक तिथि की सूचना दी जाएगी। बिल्कुल, जब प्रवेश पत्र आएंगे तो तिथि होगी। परीक्षा में पूरे देश में 20 भाषाओं में परीक्षा होंगी। सूचना बुलेटिन जिसमें परीक्षा पाठ्यक्रम भाषा पात्रता मापदंड इन सब बातों के बारे में बताया जाएगा। अगर आपको कहीं चेक करना है तो बच्चों इसकी वेबसाइट है ctet.nic.in। ये स्मॉल लेटर में है, मैंने बड़ा लिख दिया आपको दिखाई दे जाए। सब किस में, ये सब स्मॉल लेटर्स में है, ctet.nic.in ये सब स्मॉल लेटर में है, इसलिए आपको कोई दिखाई दे जाए तो मैंने आपको बड़ा लिख दिया है। तो इस पर जाकर आप देख सकते हो इस खबर को, पर शीघ्र उपलब्ध होगा। इच्छुक उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे केवल उपयुक्त वेबसाइट की से सूचना बुलेटिन डाउनलोड करें, और कहीं से नहीं करना आपको, किसी प्राइवेट साइट से, इसी से आपको सब कुछ देखना है। ठीक ना, सामान्य श्रेणी की फीस बता दी आपको। पहले पेपर के लिए जीरो से पहले जो होता है पेपर, प्राइमरी का पेपर जो होता है उसके लिए यह है, पेपर फर्स्ट या पेपर सेकेंड दोनों के लिए 1200 रुपए है, इसलिए कितनी है 1000 रुपए पेपर फर्स्ट या पेपर सेकेंड, अगर दोनों देने तो 1200 रुपए, एक देना है तो 1000 रुपए, तो दोनों ही दीजिएगा फर्स्ट भी और सेकंड भी, क्या दिक्कत है। जो बीटीसी वाले हैं वो केवल फर्स्ट देंगे, जो बीएड वाले हैं वो दोनों देंगे। अब कुछ लोगों के दिमाग में कि बीएड सुपर टेट के लिए वैरी है कि नहीं है, अभी ये असमंजस की स्थिति है, अभी दूर नहीं हुई है। 19 जुलाई के बाद संभवतः कुछ बादल छटे और यूपी के अंदर सुपर टेट में बीएड वाले बैठेंगे या नहीं बैठेंगे ये बात तब तय होगी। अभी अपने आप को सुपर टेट के अंदर मान के चलिए, कोई समस्या नहीं है इसी तरह की कि बीएड वाले बाहर हो जाएंगे। ज्यादातर उम्मीद यही की जाएगी शायद बीएड वालों को भी सुपर टेट देने का अवसर मिलेगा। ठीक, अब ये सीटेट की न्यूज है जो आपके सामने है। अब परीक्षा की तैयारी में लग जाइए, अभी से समय तो आपकी काफी है, लेकिन परीक्षा के लिए काफी समय नहीं होता है, क्योंकि देखो आपको एक बार पास करना हो लाइफ टाइम के लिए, आपका सीटेट भी और जो स्टेट टेट है वो भी। तो जिसका हो गया है उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, दोबारा दे ना दे उसकी इच्छा है, बल्कि सीटेट को अगर जिसका हो चुका है वो ना देखे, सुपर टेट टीजीटी पीजीटी पर ध्यान दे, जिसका सीटेट हो रखा है वो इस पर ध्यान ना देकर टीजीटी पीजीटी इस पर ध्यान दे जो यूपी के अंदर निकली हुई है। जिनका नहीं हुआ है उनको तैयारी करनी पड़ेगी, ये है बस बात। ठीक ना, बाकी खबर आपके सामने, एग्जाम दिसंबर 2022 में होना है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है जैसा इससे पिछली बार हुआ था, ऑनलाइन एग्जाम होना है इसका। कैसा होना है? ऑनलाइन, कोई समस्या की बात नहीं है, ऑनलाइन परीक्षाएं बहुत आसानी से होती है, कोई घबराने की बात नहीं होती है। जिसने पहली बार कंप्यूटर पर कोई नहीं बैठा वो भी बैठ सकता है, ऐसे कुछ नहीं है। और आप तो जो नई जनरेशन है उसके लिए तो कंप्यूटर आम जैसी चीज होगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो सीबीटी बेस्ड एग्जाम है, दिसंबर में एग्जाम होना है, फॉर्म अभी भरने स्टार्ट नहीं हुए, ये कुछ समय के बाद इस पर बताया जाएगा। ठीक ना, ये आपका तो फीस आपके सामने ही है। एससी एसटी विकलांग के लिए 500, दोनों के लिए 600 रुपए फीस है। ठीक है, दिसंबर की देखिए डेट यार, और एक दो दिन के बाद जब से फॉर्म ना भरे जाएंगे, आपसे भरवाए जाएंगे तो इसमें खबर आ जाएगी कि कब से फॉर्म सबमिट होने स्टार्ट होंगे। ठीक है, चलिए जिसका नहीं हुआ उसमें धीरे धीरे अपनी चीजों को पढ़िए, तैयारी करिए। ठीक है, ये सूचना आपके लिए थी। जय हिंद जय भारत।